6 महीने पहले हल्द्वानी शहर में 13 जगहों पर यातायात सुचारू करने के लिए 1 करोड़ की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट अब सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन बार बार इनके ट्रायल की बात तो कहता है, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं, क्योंकि इन ट्रैफिक लाइटों को ऐसी जगह लगा दिया गया जहाँ इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर जगह सड़क में लेफ्ट टर्न नहीं है या सड़कें छोटी हैं। ये ट्रैफिक लाइट अब सड़कों पर शोपीस बनकर रह गई हैं और हल्द्वानी शहर में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी जाम से जूझना पड़ रहा है। ट्रैफिक लाइट में करोड़ों का बजट तो खर्च कर दिया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को जाम में फंसकर भुगतना पड़ रहा है। वहीं SP ट्रैफिक का कहना है कि लाइटों का ट्रायल कर लिया गया है और जल्द ही सभी ट्रैफिक लाइटों को शुरू कर शहर को जाम से निजात दिलाई जाएगी। कि हमारे पास कहीं जगह लेफ्ट टर्न है, कहीं पर हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो सुचारू रूप से चल पाए, लेकिन जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपका कहना सही है कि ट्रैफिक लाइट 13 जगह हमने लगवा ली है, लेकिन अभी तक केवल 3 को हमने पीछे से स्टार्ट किया है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेफ्ट टर्न कहीं नहीं है, कहीं रोड की चौड़ाई कम है, तो कहीं पेड़ों की छटनी होनी थी। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को बता दिया था। आज इसी विषय में मीटिंग की गई है। इसमें हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 कौन सी और ट्रैफिक लाइट हम शुरू करेंगे, इसमें जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हमें चलाने में कोई पब्लिक को भी समस्या ना हो, उस तरह के देखते हुए 3 ट्रैफिक लाइट स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके हम शुरू करेंगे। तो आज या कल में 3 और शुरू कर देंगे, तो कुल मिला के 6 हो जाएगी और निकट भविष्य में ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।